मित्रा में नगरीय निकाय चुनाव में अब पार्टियों के बड़े नेता भी चुनावी मैदान में आ गए हैं, जहां पर दिग्गज नेता वार्ड वार्ड चक्कर काटकर अपने अपने पार्षदों के लिए वोट मांग रहे हैं। बेमित्रा में कांग्रेस के लिए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे चुनावी मैदान में अपने पार्षदों को जिताने के लिए ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं भाजपा की तरफ से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने वार्ड जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। एक साल जो ये बीता है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने जनता के साथ जिन वादों को किया है वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ये बेहद आपत्तिजनक भी है और जनता के साथ एक तरह से छलावा है। उन्होंने जनता को धान के समर्थन मूल्य का विषय कहा 2500 रुपये, वो पूरा नहीं हुआ। लोगों को पेंशन देने की बात कही 1000 रुपये, वो पूरा नहीं हुआ। 75 साल के लोगों को 1500 रुपये पेंशन देंगे, वो पूरा नहीं हुआ। विधवा पेंशन 1000 रुपये करेंगे, वो पूरा नहीं हुआ। बॉडीज के चुनाव चल रहे हैं, बेमेतरा तो यूपी कांग्रेस का गढ़ है और सौभाग्य से बेमेतरा जिले के हम तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस काबिज है और जिस तरीके से चुनाव चल रहा है हमें लग रहा है कि लोगों का पूरा भरोसा कांग्रेस के ऊपर है, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के ऊपर है। कार्यक्रम भी उन्होंने दिया है, छत्तीसगढ़ के किसान खुश हैं, यहाँ के नौजवान खुश हैं।